फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये वीडियो फॉर्म का पार्ट टू है, ओके। इस वीडियो में हम फॉर्म के अंदर कुछ और टैग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं माउस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा वीएस स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा वीएस स्टूडियो ओपन हो चुका है। इस वीडियो में हम HTML रेडियो बटन देखेंगे फॉर्म के अंदर और दूसरा HTML ऑप्शन वैल्यू देखेंगे, इसका मतलब है कॉम्बो वर्क्स देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे फटाफट मैं HTML 7 नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, 7.html, ओके। अब यहाँ पे मैं HTML 6 में हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था उसको मैं कंट्रोल S से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और यहाँ पे HTML 7 नाम की फाइल में कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा वो कोड आ जाएगा और यहाँ पे मैं लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म आ चुका है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, ओके। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस से उसे जूम करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म रहा जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम इस फॉर्म के अंदर और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम HTML में रेडियो बटन क्रिएट करना सीखेंगे, ओके। टेक्स्ट एरिया के नीचे रेडियो बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इनपुट एंटर करेंगे और डॉट, उसके बाद हम रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन रेडियो बटन एंटर करेंगे, उसके बाद हम रेडियो एंटर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा रेडियो बटन आ चुका है, ओके। और यहाँ पे मैं नेम में एंटर कर देता हूँ एज और यहाँ पे आईडी में मैं एज एंटर कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा रेडियो बटन आ चुका है, ओके। छोटा सा डॉट, हम उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं रेडियो बटन के पहले एक लेबल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं रेडियो बटन क्रिएट करूंगा, ओके। तो यहाँ पे हम रेडियो बटन के पहले एक लेबल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेबल क्रिएट करने के लिए लेबल एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं एज ग्रुप सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ओके। लेकिन मैं एज एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एज 10 से लेके 20 एंटर करूंगा, ओके एज। और यहाँ पे मैं फॉर में एज एंटर कर देता हूं, ओके। तो ठीक उस तरह हम दूसरा रेडियो बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस लेबल और इनपुट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ओके। और यहाँ पे दूसरा रेडियो बटन एटले के दूसरा लेबल टैग एंड इनपुट टैग दूसरी लाइन में आए, उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टैग के बाद दो BR टैग एंटर करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पे हम इस दोनों BR टैग को कॉपी करेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पे सभी इनपुट के पीछे पेस्ट कर देंगे, ओके। और यहाँ पे दूसरा में एज ग्रुप 20 से लेके 50 रखूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं तीसरा एज ग्रुप 50 से लेके 80 रखूंगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा तीन रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमने जो तीन लेबल इनपुट किया था वो भी आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें इस तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हम इस तीनों में से ओनली वन वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हम ये तीनों वैल्यू सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे नेम के अंदर अलग अलग वैल्यू एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे इनपुट टैग में एज 1 एंटर करता हूं और तीसरे इनपुट टैग में एज 2 एंटर करता हूं, ओके। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने नेम में अलग अलग वैल्यू इनपुट की, तो यहाँ पे हम तीनों रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम तीनों रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के लिए नेम में अलग अलग वैल्यू इनपुट करेंगे और यहाँ पे मैं इस तीनों में से ओनली वन रेडियो बटन सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम नेम में सेम वैल्यू इनपुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं नेम में एज रख लेता हूं, ओके।
तो यहाँ पे हम इस तीनों में से ओनली वन रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था रेडियो बटन का यूज। अब यहाँ पे हम फॉर्म के अंदर HTML ऑप्शन वैल्यू यानी कि कॉम्बो बॉक्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हम लिस्ट ऐड करने के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिस्ट ऐड करने के लिए हमने जो पिछली वीडियो में देखा था OL टैग एंड UL टैग भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे OL एंड UL एंड कॉम्बो बॉक्स के बीच में डिफरेंट ये है कि हम कॉम्बो बॉक्स में हमें ओनली वन वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम रेडियो बटन के नीचे एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट एंटर कर देता हूं, कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम नेम में कंट्री एंटर कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे आईडी में हम कंट्री एंटर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन एंटर करेंगे। ओके, हम OL एंड UL टैग में LI एंटर करते थे और यहाँ पे हम ऑप्शन वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, इसका मतलब है हमें ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एंटर करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं टोटल 3 कंट्री के नेम एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैं 3 बार ऑप्शन टैग ले लूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम शिफ्ट ऑल्ट और डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कॉपी प्रेस करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू में एंटर करेंगे कंट्री 1 और यहाँ पे मैं कंट्री 1 को सिलेक्ट करूंगा और दूसरे ऑप्शन टैग में पेस्ट करूंगा और तीसरे ऑप्शन टैग में पेस्ट करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं कंट्री 2 कर देता हूं और यहाँ पे मैं कंट्री 3 कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैं कंट्री 1 ऑप्शन टैग के अंदर इंडिया एंटर करूंगा और दूसरे ऑप्शन टैग के अंदर मैं जापान एंटर करूंगा और तीसरे ऑप्शन टैग में मैं रूस एंटर करूंगा। ओके, कंट्रोल से सेव करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे रेडियो बटन के नीचे यहाँ पे हमारा कॉम्बो बॉक्स आ चुका है। ओके, छोटा सा। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूं, तो यहाँ पे ये रहा हमारा कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे हमें कॉम्बो बॉक्स में इस तीनों में से ओनली वन वैल्यू चूज करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे मैं जापान चूज करता हूँ तो यहाँ पे जापान आ जाएगा और यहाँ पे रूस चूज करता हूँ तो यहाँ पे रूस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स के अगर एक लेबल टैग इनपुट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैं लेबल टैग एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर में कंट्री एंटर करूंगा और लेबल टैग में मैं एंटर करूंगा सिलेक्ट योर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेबल टैग आ चुका है सिलेक्ट योर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे मैं इस बटन को इस कॉम्बो बॉक्स एंड लेबल टैग के नीचे ला देता हूं। ओके, तो उसके लिए हम बी आर टैग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बी आर टैग को कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे लास्ट सिलेक्ट के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन नीचे आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट योर कंट्री के अंदर यहाँ पे हमारी जो भी कंट्री होंगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये था कॉम्बो बॉक्स का यूज। हम कॉम्बो बॉक्स में जितनी चाहे उतनी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इस रेडियो बटन के ऊपर एक लेबल टैग एंटर कर देता हूँ और उसमें मैं सिलेक्ट योर एज एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम रेडियो बटन के जस्ट ऊपर एक लेबल टैग एंटर करेंगे और फॉर्म में हम एंटर करेंगे एज और लेबल टैग के अंदर हम एंटर करेंगे सिलेक्ट योर एज ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेबल टैग आ चुका है। ओके, और यहाँ पे हम कोई भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एज को इस सिलेक्ट योर एज ग्रुप के नीचे ला देता हूं
मल्टीप्लाइड टू। ओके तो यहाँ पे हमारा एज नीचे आ चुका है। ओके तो यहाँ पे हम रेडियो बटन के जैसे एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स एंटर करने के लिए रेडियो बटन के नीचे इनपुट एंटर करेंगे और यहाँ पे हम चेक बॉक्स एंटर करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमें चेक बॉक्स का सजेशन आ चुका है। ओके तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम नेम में एंटर कर देंगे एज और आईडी में हम एंटर करेंगे एज। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स आ चुका है। ओके तो यहाँ पे मैं इस चेक बॉक्स को इस रेडियो बटन के बाद में लाना चाहता हूं। ओके तो यहाँ पे मैं यहां से मैं बीआर टैग कट करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके तो यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स रेडियो बटन के बाद आ चुका है। ओके तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं इस तीनों के बाद चेक बॉक्स एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे हम इस चेक बॉक्स को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बी आर टैग हटा देता हूं और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूं। सभी रेडियो बटन के बाद चेक बॉक्स आ चुका है। ओके तो यहाँ पे हम रेडियो बटन में से ओनली वन रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम चेक बॉक्स सभी चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके चेक बॉक्स में हम ओनली वन चेक बॉक्स सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी चेक बॉक्स में नहीं है। ओके क्योंकि यहाँ पे चेक बॉक्स ओनली वन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए बना है। ओके तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स एंटर कर देता हूं चेक बॉक्स। ओके तो यहाँ पे हम फॉर्म में सबसे पहले हम अपना नेम एंटर करेंगे पटेल सेतु जे। ओके उसके बाद हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एंटर अबाउट यू में एंटर कर देंगे। ओके और यहाँ पे हम अपना एज ग्रुप सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 20 से लेके 50 में सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके और यहाँ पे हम चेक बॉक्स भी सिलेक्ट कर देंगे। ओके और यहाँ पे लास्ट हम अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बार जापान सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके तो इस वीडियो में हमने रेडियो बटन चेक बटन एंड कॉम्बो बॉक्स देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज और ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर करना और ये वीडियो का सोर्स कोड मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। आप वहां से जाके कॉपी पेस्ट करके आप अपने पीसी या कंप्यूटर में रन भी कर सकते हो। ओके